आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना और घटाना। तो लास्ट अपन ने जो क्लास ली थी, मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में जब थे, उस टाइम भी आपने तीन डिजिट से रिलेटेड प्लस और माइनस आपने स्टार्ट किया था। अब अपन उससे आगे, जैसे कि फोर डिजिट तक अगर अपन प्लस और माइनस करते हैं तो वो लेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में अपन लर्न क्या क्या करेंगे। सबसे पहले अप्लाई नॉलेज ऑफ प्लेस वैल्यू इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, यानी कि जब अपन प्लस और माइनस करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। हाउ टू यूज कैरिंग इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किस हिसाब से अपन को एडिंग और सब्ट्रैक्शन के अंदर कैरिंग लेना है, यानी कि जैसे अगर कोई फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाती है तो अपन कैरी लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन लर्न करेंगे। पहले आई होप लास्ट वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसके सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपने कंप्लीट वो नहीं की है तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको और बना के डाल दूंगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको भी आप टाइमली पूरा करें, ठीक है। तो एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि आज आपके ग्रुप के अंदर मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, तो सारे बच्चे उसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके रख लें। नेक्स्ट सैटरडे जब आएगा उस टाइम वापस आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और अभी जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसकी आंसर शीट साथ में होगी, तो आप अपना सेल्फ चेक सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ एक एक्सरसाइज आपके एड की दी हुई है, कुछ एक आपके सब्ट्रैक्ट माइनस की दी हुई है, कुछ एक प्लस माइनस इनकी दी हुई है, तो ये अपन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये एड का है, तो अपन वैसे नॉर्मली एड करना जानते हैं 6 + 3, ठीक है। अब तक अपन एड करते थे, जैसे कि 6 है, ये 6 रो बना दी अपन ने, इसमें प्लस करनी है कितनी, 3। तो आप अपन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। कोई कैरी नहीं आया, कैरी कब आता है, जब 10 हो जाता है, ठीक है। तो 10 का अपन 0 काउंट करेंगे, एक कैरी अपन आगे ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 है, प्लस 1, 0 में अगर 1 प्लस करोगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आना है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, ठीक है। 4 + 3 4, ये 4 रो प्लस 3, अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने आगे, 7 आ गए, ठीक है। ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, ये एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है ना। ये मैं करवा देता हूँ, 3 + 3 3 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपको अगर 3 चॉकलेट दी मम्मी ने और 3 चॉकलेट और पापा ने दे दी, तो आपकी टोटल आपके पास कितनी चॉकलेट होगी, 6 चॉकलेट आपके पास होगी। तो आप क्या काउंट क्या करोगे, 6 काउंट करोगे, कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसको प्लस करते हैं, 5 + 3 5 + 3 5 + 3 कितने, तो अब इसको अपन प्लस करते हैं, तो 6 + 3, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया था, 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। एक बार वापस समझ लेना, 3 + 3 कितना हो गया, 6, कोई कैरी नहीं है, 5 + 3 8, 6 + 3 9, तो इसका आपके आंसर हो गया 986, ठीक है। अब अपन एक माइनस करते हैं। देखो, हमेशा अपन को पता है कि बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि बड़ी जो आपके डिजिट होते हैं उसमें से छोटे डिजिट माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 है, 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकता मैं, तो मुझे 0 के साथ क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। तो अब मैं 10 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1। अब ये जो मैंने कैरी लिया है, इसको मुझे आगे वापस कैरी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 था, तो मैंने यहाँ पर भी 9 माइनस नहीं हो सकता, तो मैंने एक कैरी और ले लिया, तो कितना हो गया, 10। बट पिछली बार मैंने एक कैरी लिया था, तो इसको कट करके मुझे कितना करना पड़ेगा, 9। कट करके मुझे कितना करना पड़ेगा, 9। तो 9 में से 9 माइनस करूँगा तो मैं कितना आएगा, 0 आएगा।
अब जो मैंने यहाँ पर कैरी लिया था इसको वापस यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि एक बार अगर अपन किसी से ले लेते हैं तो वापस देते हैं ना। अगर अपन ने किसी से कुछ मान लो कि पैसे उधार लिए हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, वापस देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे इसको एक रुपये यहाँ से लिए थे तो इसको मैं वापस दूंगा, ठीक है, तो कैरी वापस देना पड़ेगा। तो सेवन, तो एक कैरी लिया था वो वापस, सिक्स हो गया, तो सिक्स में से फाइव माइनस करोगे तो कितना बचेगा, वन। तो ये आपके कितना हुआ, 101। एक बार इसी को दोबारा देखना, वापस समझा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो देखो, जीरो में से नाइन माइनस नहीं हो सकता, जीरो में से नाइन माइनस नहीं हो सकता ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जीरो के साथ एक कैरी लेना पड़ेगा। मैंने किससे कैरी लिया, यहाँ से, इससे एक उधार ले लिया, तो मेरे पास कितने हो गए, टेन। अब टेन में से नाइन माइनस किया तो कितना बचा, वन। अब देखो यहाँ पे जीरो में से नाइन माइनस नहीं हो सकता ना, तो मुझे कैरी लेना पड़ेगा। अब कैरी किससे लूँगा मैं, इससे, तो इधर वाले से ले लिया, तो टेन में से नाइन माइनस करूँगा, लेकिन इसको मैंने कैरी दिया था तो ये वापस कम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, नाइन, ठीक है। तो नाइन में से नाइन माइनस करूँगा तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है ना। अब सेवन माइनस फाइव, लेकिन कैरी वो वापस माइनस करो तो सिक्स, तो सिक्स में से फाइव माइनस किया तो कितना बच गया, वन बच गया, तो आपके कितना आ गया, 101। वैसे ही इसको अपन सोल्व करते हैं, तो सेवन में से माइनस करते हैं सेवन, तो कितना बचता है, जीरो। अगर आपके पास सात चॉकलेट है और आपने सात चॉकलेट ही किसी दूसरे को दे दी तो आपके पास कितनी चॉकलेट बची, जीरो। आपके पास छः सेवन बैलून थे और सेवन के सेवन उड़ गए, हाथ छूट गया, उड़ गए, तो आपके पास कितने बचे, जीरो, ठीक है। तो सेवन में से सेवन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जीरो। अब देखो फाइव में से सेवन माइनस कर नहीं सकते, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, फाइव के साथ वन कैरी लिया, तो 15 में से 7 माइनस करूँगा। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 15 में से 7 माइनस कर दो, मतलब हटा दो, तो 7 हटा दो, ये 1 हटा दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 मैंने हटा दिए, तो अब आपके पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब वापस वही, हमने जो कैरी लिया था इसको वापस दे दो, तो यहाँ पे कितना बचा, 4, 4 में से 2 माइनस करोगे, 4 फिंगर है, 4 फिंगर में से 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 2, ठीक है। तो 557 में से माइनस कर दिया 277, तो कितना बच गया, 280 वापस बच गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी ऐड करना है, तो ये यहाँ पे ऐड करते हैं 0 + 7 + 3, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो 7 + 3 कितने होते हैं, 13। 13 10 से अबव चले गए, तो 13 का मैंने 3 रख लिया, 1 कैरी बच गया ना, इस कैरी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, इस कैरी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस, ठीक है ना। तो 8 + 1 9, 9 + 2 9 में 2 जोड़ो 10 और 11, तो 11 का 1 रख लिया, अब फिर कैरी बच गया 1, तो इस 1 को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1, ठीक है। तो 5 + 6 कैरी वाला, ठीक है, + 3 9, तो आपके टोटल कितने हो गए, 913, ठीक है, कितने हो गए, 913। यानी कि ऐड करते हैं तो कैरी आगे जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 + 6 = 13, तो एक कैरी बच गया, तो इसको अपन को क्या करना, आगे जोड़ना है, तो 8 + 9 = 19, 9 + 2 = 11, 1 कैरी बच गया तो ये आगे जोड़ दिया, 5 + 1 = 6, 6 + 3 = 9, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये करते हैं, तो ये आपको क्या करना है, माइनस करना है, ये आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, देखो इसके अंदर इन दोनों को तो क्या करना है, प्लस, जो डिजिट आएगा उसको हम ये क्या करेंगे, माइनस। तो अपन करते हैं 3, 6, 4, इसमें आपको प्लस करना है 6 और 7, ठीक है, 6 और 7। अगर किसी के नीचे डिजिट नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसको मैं प्लस करता हूँ, तो प्लस करूँगा
तो देखो 7 + 4 तो 7 के बाद में 4 और काउंट करना है, तो 7 के बाद में 4 काउंट करो, 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया, एक कैरी बच गया, तो इसको अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब अपन करते हैं 6 + 1 7, 7 के बाद में 6 और काउंट करो, 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13, 13 ये 13 का 3, फिर एक कैरी हो गया, इसको आगे वाले को उधार दे दो, ये 1 इसको दे दिया, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 431, ठीक है। अब 431 जो आया ये तो अपन ने प्लस किया, अब इसको माइनस भी करना है, तो ये जो आया 431 इसमें से माइनस करना है 199, अब इसको माइनस करो, तो देखो माइनस करते हैं, अभी माइनस वाला यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 1 में से 9 माइनस हो सकता है क्या, 1 तो छोटा है, माइनस नहीं हो सकता, तो इसको कैरी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कैरी दे दिया 1 को 1, तो कितना हो गया, 11 हो गया, कितना हो गया ये 11, 11 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा 2, 11 में से 9 माइनस किया कितना बचेगा 2। अब देखो 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता ना, 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फिर कैरी दूंगा, कितना हो गया 13, लेकिन पहले एक जो कैरी दिया था उसको मुझे वापस कम करना पड़ेगा, तो कम करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 माइनस करो तो कितना बच गया 3, 12 में से 9 माइनस किया तो कितना बच गया 3, ठीक है। अब देखो 4, अब एक कैरी दिया था वो वापस लो, 3 में से 1 माइनस करो तो कितना बच गया 2, ठीक है, तो आ गया ये माइनस करने के बाद में। नेक्स्ट वाला ये आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना, तो आपको 37 में से माइनस करना है 15, ये जो डिजिट आएगी इसको आप यहाँ पे लिखना, इसमें प्लस करना है 10, जो आपके आंसर आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप एक बार वापस करोगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन लेते हैं, जैसे कि कुछ एक ये 10 11 12 क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड पे लिखा है, वैसे आप अपनी बुक में भी पेज नंबर 7 पे ये देख सकते हो, सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 7 से स्टार्ट है ये। देखो क्वेश्चन है, 185 बॉयज एंड 162 गर्ल्स आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ियास, ये किसी विलेज का नेम है, हायर सेकेंडरी स्कूल में 185 बॉयज पढ़ रहे हैं और 162 गर्ल्स पढ़ रही है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो अगर आपको टोटल पूछी जाती है तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो, जब आपको बैलेंस पूछा जाता है तब आप क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपके पास कितने बैलून हैं, क्या 6 4 मैंने और दे दिए, अब मैंने बोला बताओ टोटल बैलून कितने हैं, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 185 तो बॉयज़ है, ये भी स्टूडेंट है, 162 गर्ल्स है, ये भी स्टूडेंट है, और आपसे पूछ क्या रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब ये आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करना है। तो देखो बॉयज़ कितने हैं, आप अपना आंसर लिखोगे, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है सर 185 प्लस गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है आपके पास कितनी है 162, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपके टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 इसमें 7 2 प्लस करना है, तो 5 में 2 और ऐड करो, 5 के बाद में 6 और 7, तो कितना आ गया 7, कोई कैरी नहीं आया। 8 में 6 प्लस करो, 8 के बाद में 6 काउंट करो, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 का क्या आ जाएगा 4, 1 कैरी रह गया तो इस 1 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 2 + 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने कितने हैं स्कूल में, 347 स्टूडेंट है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा,
347 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए गार्डन, आप मान लो किसी गार्डन में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ में, आपने देखा कि उस गार्डन में 255 तो रोजेज गुलाब के फूल है, 156 मेरी गोल्ड के फूल है, 178 जैस्मिन के फूल है, प्लांट्स आर देयर, ठीक है ना, यानी कि इनके प्लांट्स है, सॉरी, ठीक है, 255 रोजेज के प्लांट है, 156 मेरी गोल्ड के प्लांट है, 178 जैस्मिन के प्लांट है। तो फिर आपके पापा ने पूछा कि बताओ व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फ्लावर प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने हुए। तो आप क्या करोगे, टोटल अगर पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो आप क्या करोगे, जो रोज के प्लांट है इसमें ऐड करोगे, प्लस करोगे 156 मेरीगोल्ड के प्लांट, फिर प्लस करोगे 178 जैस्मिन के प्लांट। तो तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल प्लांट आ जाएंगे। तो आपने रोजेज के, रोजेज के प्लांट कितने हैं के 255। इसके बाद में मेरीगोल्ड के, इसके प्लांट कितने हैं, इसके प्लांट है 156। इसके बाद में जैस्मिन के, इसके बाद में 178 किसके हैं, जैस्मिन के, ये भी प्लस कर दोगे कितने हैं, 178। इन सबको प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे ना आपके पास। तो प्लस करते हैं, 5 में काउंट करना है 6, 5 में काउंट करो 6, 5 प्लस 6 काउंट करने, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गया, यहाँ तक टोटल होगी 11। अब 8 और काउंट करने, 11 के बाद में 8 काउंट करो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 8 और काउंट कर लिए तो कितने आए, 19 का 9 ले लिया, एक कैरी है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, आगे प्लस कर देंगे। अब देखो 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में फिर 5 जोड़ो, 6 में 5 जोड़ोगे, 6 बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 11 के अंदर 7 और प्लस करो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 का 8 लिया, 1 कैरी है, इसको आगे प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 589 टोटल प्लांट है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने आ गए आपके, 589 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। गीताज फादर, गीता के जो फादर है, इज एट द मार्ट टू सेल पोर्ट्स, इनके एक दुकान है यानी कि पोर्ट सेल करने के लिए, दिस टाइम हर फादर बिल्ड 523 पोर्ट्स, ठीक है, ऑफ विच 484 वर सोल्ड आउट, 523 पोर्ट्स में से सोल्ड कर दिए, मतलब क्या कर दिए, बेच दिए, तो आपको क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी पोर्ट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, अब उनके पास में कितने बच गए। तो मैंने क्या पूछा, बोला था कि जब आपको टोटल पूछा जाए तब आप क्या करते हो, ऐड करते हो, और बाकी कितने बच गए या रिमेनिंग कितने बचे या बैलेंस कितना बचा, ये अगर पूछ ले तो आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि टोटल पोर्ट्स कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 523 थे, इसमें से जो सोल्ड कर दिए। अब तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो कि आपके पास कोई 10 बुक है, कितनी बुक है, 10 बुक है, उसमें से 7 बुक आपने अपने फ्रेंड को क्या कर दी, सोल्ड कर दी, बेच दी। अब माइनस करोगे तभी 3 आएगा ना, तो आप क्या करोगे, सोल्ड करने के बाद में माइनस, तो माइनस करोगे 484, तो ये आपके माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस 4, आप बोलोगे सर 3 तो छोटा होता है,
थ्री छोटा होता तो इसमें से माइनस कर नहीं सकते, तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, इसको एक कैरी देना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन देगा, ये टू देगा। थ्री में से फोर माइनस किया तो थ्री में से फोर माइनस करोगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, नाइन। थ्री में से फोर माइनस करोगे कितने बच जाएंगे, नाइन। अब देखो टू में से एट माइनस हो नहीं सकता, इसके पास भी ये भी छोटा है तो इसको भी कैरी देना पड़ेगा, तो आपने वन कैरी दे दिया तो कितना हो गया, ट्वेल्व। लेकिन इसको जो कैरी दिया था वो तो वापस माइनस करो, वो तो वापस लेंगे, ठीक है, तो 11 बचे, तो 11 में से 8 माइनस करोगे तो आपके कितना बच गया, 3, ठीक है ना। अब जो 5 है, 5 में से 4 माइनस कर सकते हैं लेकिन जो कैरी दिया था वो वापस लो, तो कितना बच गया इसके पास, 4, तो 4 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0, ठीक है ना। 4 में से 4 माइनस किया तो 0 बच गए, ठीक है ना। तो ये अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखो कुछ ऐड और सबट्रैक्ट के अपन क्वेश्चन और करेंगे। इंडियन नंबर के बारे में आपको मैं बता दूं कि काउंटिंग को अपन कैसे लिखते हैं। देखो हम अब तक काउंटिंग को ऐसे लिखते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे जैसे अपने क्वेश्चन मार्क होता ना, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे नीचे पॉइंट नहीं लगाना है आपको, इस तरह से लिखेंगे, ये वन है। टू को टू की तरह लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा इस तरह से घुमा के, अपन टू को यू लिखते हैं, यू नहीं लिखना है, किस तरह से लिखना है, यू, ठीक है। थ्री थ्री की तरह ही रहेगा लेकिन नीचे यू घुमा देगा। फोर जो बनेगा वो एट को अपन थोड़ा सा ऊपर कट कर देते हैं ना, जैसे 8 है, 8 को अगर अपन ऐसे कट कर देते हैं तो इस टाइप से बनेगा ये। 8 को अपन कैसे बनाते हैं, 8 को अपन ऐसे ही बनाते हैं, तो इसको अगर यहाँ से कट कर दें, ठीक है ना, तो इस तरह से क्या बनेगा, 4। 5 यू वाई की तरह बनेगा, यू 5, ठीक है ना। और 6 इस तरह से 3 का उल्टा, जैसे 3 बनता था ना, जिसको अगर घुमा दें तो 6 बन जाएगा इस तरह से। 7 छोटे यू की मात्रा, जानते हो छोटे यू की मात्रा, ये 7 इस तरह से बनेगा, 8, ठीक है, आधा च, ठीक है, चय लिखते थे ना अपन, तो आधा अपन उसका हाफ कर देते हैं। चय कैसे लिखते हैं अपन, यूं ही लिखते हैं ना, अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और 9 बनेगा इस तरह से, इस तरह से बीच में लाइन खींचनी है, इस तरह से आपके क्या बन जाएगा, 9। और 10 तो अपन समझ ही गए, तो 10 में 1 इस तरह से, 0 तो 0 की तरह ही लिखेंगे अपन, ठीक है, 0 को 0 की तरह ही लिखेंगे, इस तरह से अपन क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड अगर मान लो कि आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, इससे रिलेटेड डिजिट दिए गए हैं, तो इनको ये याद रखना है अपन को, ठीक है ना। अब इसको अपन प्लस माइनस करते हैं, तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये अपन ने कंप्लीट इसको मिटा दिया। तो अब अपन देखेंगे डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ इंडियन नंबर। इंडियन नंबर को एक बार आप लिख के अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये 8 है, ये आपके 5 है, ये ऊ की तरह, ये आपके क्या है, 7 है, ये आपके 3 है, 2 है, और ये क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब इनको प्लस करते हैं, तो ये आपके 7 प्लस 4, ये 7 प्लस 4 कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है ना। 11, 1 को अपन इसी तरह से लिखते हैं, 1 कैरी आया तो ये 1 अपन ने किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब ये आपकी कितना है, 5 5 प्लस 2 कितना, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। 8 को अपन किस तरह से लिखते हैं, आधा चेक की तरह, ठीक है ना। 8 को अपन किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं 8 को, ठीक है। तो कैरी आया नहीं, अब अपन प्लस करते हैं, ये 8 8 प्लस 3, ये 3 है, 8 प्लस 3 कितने हो गए, 11, ठीक है। तो ये तो 1181, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके क्या है, 9, ये प्लस करना, 9 प्लस 5, 9 में 5 प्लस करो, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14,
तो 14 का 4 अपन ने यहाँ पे ले लिया, तो कैरी बच गया, तो कैरी अपन ने यहाँ पे प्लस कर दिया 1, ये कितना है 6, और ये कितना है 6, और ये कितना है 8, तो 6 में 8 प्लस करो और 1 भी प्लस करना, तो 6 में पहले तो ये 1 प्लस किया, 6 प्लस 1 7, 7 में आपके 8 प्लस करो, तो 7 में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 का 5 आ गया, ठीक है, तो 1 कैरी आ गया, तो कैरी अपन ने यहाँ पे प्लस कर दिया इसको, तो ये आपके कितना है 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 को अपन कैसे लिखते हैं, छोटी ऊ की मात्रा कितना है ये 7, तो 754, ठीक है, तो ये आपको प्लस, ये आपको करना है, ये माइनस का मैं बता देता हूँ आपको एक, तो ये आपके कितने 9 है, 9 में से ये 5 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है, कोई कैरी नहीं हुआ, ये आपके कितना है छोटे ऊ की तरह कौन होता है, छोटे ऊ की मात्रा की तरह कौन होता है 7, 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 4, तो इसको भी मैं इसी तरह से लिखूंगा 4, इसके बाद में देखो कोई कैरी नहीं आया यहाँ पर भी, ये कितने हैं आधा 6 की तरह कौन होता है 8, 8 में से माइनस करोगे 4 तो कितना बच जाएगा 4, तो 444 बच गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, ठीक है ना, ये क्या है 9 नहीं है, अभी 9 की तरह दिखने वाला कौन होता है 1 होता है, ठीक है, ये क्या है 1, और तो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ये 9, 9 में से ये क्या है 8, 9 में से 8 माइनस किया तो कितना बच गया 1, ठीक है, क्योंकि ये 5 है, 5 में से 4 माइनस किया तो कितना बच गया 1, ठीक है, तो 111, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना, ठीक है बच्चों, तो अब देखो पेज नंबर 8 पे जो है, 8 और 9 पे जो एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है ये आपको एक बार पढ़ के आनी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेज नंबर 8 और 9 पे जो एक्सरसाइज है वो अपन करेंगे, इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 2 लेंगे, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड और आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और जो आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको अपने होमवर्क में करना है, ठीक है, तो या आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखोगे और इसके बाद में इसके मैं यानी कि वीडियो बना के एग्जाम्पल नंबर 1 से 4 तक आपको बता भी दूंगा, लेकिन आप अपने एग्जाम यानी कि होमवर्क पूरा रखोगे, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, ओके, थैंक यू।